खरगोन शहर में 10 अप्रैल को हुई घटना के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में ढील भी मिल रही है, लेकिन आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको देखते हुए शनिवार को प्रशासन ने कड़े निर्णय लिए हैं। अपर कलेक्टर ने बताया है कि रविवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ढील रहेगी और 2-3 मई को सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू जारी रहेगा। खरगोन शहर में 10 अप्रैल को हुई घटना के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में ढील भी मिल रही है, लेकिन आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको देखते हुए शनिवार को प्रशासन ने कड़े निर्णय लिए हैं। अपर कलेक्टर ने SS मुजल्दा ने बताया कि रविवार को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी, जबकि 2 और 3 मई को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा, कोई ढील नहीं दी जाएगी। अपर कलेक्टर ने बताया कि उक्त निर्णय अक्षय तृतीया और ईद के त्योहार को लेकर किया गया है। जिन परिवारों में शादी है, वह लोग रविवार को शहर से बाहर जा सकते हैं। शहर में किसी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। परशुराम जयंती पर न तो शोभा यात्रा निकाली जा सकेगी, न ही ईद पर मस्जिदों में नमाज अदा की जा सकती है। लोग घरों में त्योहार मनाएं। कर्फ्यू अवधि में CBSE की परीक्षाओं के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रभावित न हो। अभी कल 1 तारीख को 8 से 5 तक खुला रहेगा, 2 और 3 को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। सर, इसके अलावा जैसे शादी है, शादी वाली कल चले, कल 5 बजे तक जा सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बच्चों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। सर, 2 और 3 को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा? 2 और 3 को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। अब परिस्थिति के ऊपर है, कल का दिन भी देख लेते हैं। उसके बाद त्यौहार है, उसको लेके त्यौहार ईद का है और अक्षय तृतीया का। सब अपने घर पे नमाज पढ़ेंगे और अक्षय तृतीया में जो परशुराम रैली वगैरह जुलूस वगैरह सब पे प्रतिबंध है। सर, अक्षय तृतीया पे जो बारातें छूट वो कल ही इसलिए कह रहे हैं कि कल ही चले जाए। सर, लगन जैसे लोकल में अगर लगन रहा, लोकल में लगन नहीं है किसी के, वो होगा तो अभी तक तो हमको जानकारी में नहीं है। SP रोहित काशवानी ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर दोनों धर्मों के प्रमुखों की बैठक लेकर अपने अपने त्योहार घरों में मनाने की अपील की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था की गई है, कैमरे ड्रोन आदि की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही हम नियमित रूप से फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। बाहर से अभी बल आएगा तो जो बल आता है उसके बारे में बताया जाएगा और साथ ही विभिन्न पॉइंटों पर व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, तो पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। साथ में जो समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ बैठक ली गई हैं और उसके उनसे यही अपील की गई है कि त्योहारों के समय अमन चैन और शांति बनाए और इस संबंध में अन्य मीटिंगें भी ली जाएगी और उसके बाद ही त्योहारों की आप हाँ तो तूफान सिंह का PR लिया गया था और उसकी निशानदेही पर उसके यहाँ से जो हमें जो हथियार बनाने का सामान भी मिला है और साथ ही एक आदि बनी हुई एक बंदूक भी मिली है, तो जो उससे जब्त करके उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। उनकी कनेक्टिविटी मिली सर? उससे बातचीत की, बाकी और जो यही मिला है कि यहाँ पर ये बनाता था और सप्लाई करता था और अन्य पहलुओं पर भी विवेचना की जा रही है। सर, आपकी टीमें बाहर गई थी रिफान को लेकर तलाशी के लिए, क्या उसमें क्या कुछ सफलता मिली है सर? अभी हमारी टीमें लगी हुई है तो जैसे ही वो रिजल्ट आता है आपका अवगत कराया जाएगा। सर, भंडारी पेट्रोल पंप पर कार्रवाई भी हुई? अभी सभी पेट्रोल पंप बंद हैं और जो खोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको समझाइश दी गई है। सर, और जिस तरीके से 2 और 3 तारीख को फुल कर्फ्यू की जो चर्चा चल रही है, क्या है सर उसको लेकर? इस संबंध में अभी वरिष्ठ स्तर पर मीटिंग दी जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि त्योहारों के दौरान क्या व्यवस्था रहेगी और जैसे निर्णय होता है उससे मीडिया को अवगत कराया।